हमारे पास नाम निहाद पावर हिटर्स के तौर पर बहुत सारे प्लेयर्स टीम में शामिल हुए हुए हैं। हमने शान मसूद को देखा, वो ऐसे खेल रहा था जैसे हम 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं और हमने 50 ओवरों में 190 करना है। वो जिस तरीके से सिंगल डबल ले रहे थे भाई। T20 आप खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, आपने हार जाना है, हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप बैट उठाएं, स्ट्रोक खेलें, छक्के चौके के लिए जाएं। जब आप सिंगल डबल करेंगे तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान खान। पाकिस्तान बस इंग्लैंड T20 सीरीज़ में आखिर फतह इंग्लैंड को ही। पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो आखिरी मैच था, फाइनल मैच, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 67 रन से शिकस्त दी। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनको कल का मैच कैसा लगा और पाकिस्तान के हारने की क्या वजूहत बनी। देखें, क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से हारे, ज़ाहरी बात है फैंस के दिल टूटे हैं। मैं भी फैंस में हूँ तो दिल मेरा भी टूटा है, और हारने की वजह इंतहाई हैरानकुन थी। हैरानकुन इसलिए कि जब किसी भी टीम ने 200 से ज़ायद रन चेस करने होते हैं तो उसका जो स्ट्राइक रेट होता है बैट्समैनों का 150 प्लस होता है या 200 का स्ट्राइक रेट होता है। हमने देखा कि दो आउट जल्दी हो गए, इंग्लैंड के भी दो आउट अगर जल्दी हो जाते तो उन्होंने मार धाड़ करनी थी। उनके पास पावर हिटर्स हैं, हमारे पास नाम निहाद पावर हिटर्स के तौर पर बहुत सारे प्लेयर्स टीम में शामिल हुए हुए हैं। हमने शान मसूद को देखा, वो ऐसे खेल रहा था जैसे हम 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं और हमने 50 ओवरों में 190 करना है। वो जिस तरीके से सिंगल डबल ले रहे थे भाई। T20 आप खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, आपने हार जाना है, हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप बैट उठाएं, स्ट्रोक खेलें, छक्के चौके के लिए जाएं। जब आप सिंगल डबल करेंगे तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे हमने 120 चेस करना हो 120 बॉलों पर। शान मसूद इस तरीके से खेल रहे थे। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुदा का वास्ता है भाई, यारी दोस्ती वाले प्लेयर्स को ख़त्म करें, अपनी सिफारिशों पर प्लेयर्स को ना लेकर आएं। कुछ ऐसे प्लेयर्स टीम में आने चाहिए जो पावर हिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शर्जील खान, उसको सियासत की नज़र किया जा रहा है। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है जो दुनिया की किसी भी कंडीशन में किसी भी वक्त दूसरी टीम के छक्के छुड़वा सकता है। आपने ऐसा बड़ा प्लेयर मिस कर दिया। आप शान मसूद जैसे प्लेयर को लेकर आए हैं जिसकी पर्ची चलती है, जिसकी सिफारिश चलती है, तो ये अफसोसनाक है। अच्छा, रमीज़ राजा ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम 16 साल बाद आई थी तो हम उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहते थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये मैच फिक्स था? रमीज़ राजा के घर जब बहनोई आता है ना, वो उसे भी खाली हाथ नहीं भेजते, तो ये उनके बहनोई थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किन किन चीज़ों पर कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि बेस्ट बेटर करने के लिए? पाकिस्तान देखें, बॉलिंग हमारी ठीक है, अभी नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी वापस आ जाएंगे। उसके अलावा हमें बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ठीक है, बहुत अच्छी काबिलियत है उनमें, लेकिन भाई हमें पावर प्ले में कम से कम 50 रन चाहिए, 30-35 नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप पावर प्ले के 6 ओवरों में 30 से 40 रन बनाएंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों का मुकाबला कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप 130-140 रन का टारगेट देकर ये सोचते हैं कि हमारे बॉलर कुछ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया में जब आपके ख़िलाफ़ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होंगे तो वो उन कंडीशंस में शेर हैं, और शेर का मुकाबला करने के लिए आपको शेर बनना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई मैसेज देंगे? देखें, पूरी कौम आपको बैक करती है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं। 24 करोड़ लोग जो इंतहाई बेरोज़गारी, महंगाई का उनको सामना है, परेशान है लोग, उनकी खुशी का समय उस वक्त होता है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कामयाबी हासिल करती है। जब आप इस तरीके से मायूस कुन परफॉर्मेंस देते हैं तो लोग मायूस होते हैं, वो पहले ही परेशान होते हैं, मज़ीद परेशान हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर उनमें आ जाता है मज़ीद। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? हैदर। सर, कल का आपको जो मैच था पाकिस्तान इंग्लैंड का, वो कैसा लगा? बस सर, मतलब काफ़ी अजीब सी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टीम का, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले तो बाबर और रिजवान आउट हो गए, उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने भी कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। मेरे ख्याल से ज़्यादा इनको काम करने की ज़रूरत है कि मिडिल ऑर्डर पर काम करें। ठीक है, काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस रही है कल रात। हम लोग काफ़ी 63 रन थे मेरे ख्याल से, हम लोग रह गए 67 रन से। तो बॉलिंग में भी अगर नसीम शाह को देखा जाए, ठीक है उसका नाम वगैरह बन गया, लेकिन उसकी भी बॉलिंग में कोई वेरिएशन वगैरह उस तरह की नहीं है कि मतलब कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसकी नहीं होती। लेकिन फिलहाल चल रहा है क्योंकि नया बॉलर है, तो आपको पता है नए बॉलर को फेस करना मुश्किल होता है फॉर द बैट्समैन। तो
ये है कि मिडल ऑर्डर पे काम करें, बॉलिंग पे काम करें, शाहीन शाह को जल्दी से जल्दी वापस लेके आना चाहिए, बड़ा अच्छा बॉलर है वो। उसके अलावा और नए टैलेंट को इनको तलाश करना चाहिए जिसके अंदर जिसमें डिफरेंट वेरिएशन हो बॉल में। आपने अगर शायद देखा हो कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इसके अलावा जो स्लो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, ये सब कुछ हैं वो हमारे पास इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कल के मैच में कौन सी ऐसी गलतियाँ थी, कौन सी खामियाँ थी जो मैच हारने का सबब बनी? और देखा जा रहा है बिल्कुल वन साइडेड मैच था, बिल्कुल मुकाबला होता, मुकाबला भी नहीं हुआ। देखिए, एक तो ये है कि टारगेट बहुत बड़ा था, ठीक है, और जो टीम हमारी टीम है उसने एक तो जो अर्ली विकेट्स दे दी उसकी वजह से, और दूसरा ये कि बहुत स्लो खेला उन्होंने, ठीक है। एक इतना मतलब एक ह्यूज टारगेट था जिसको उन्होंने मतलब टुक टुक खेल रहे हैं, सिंगल डबल दे रहे हैं, बाउंड्रीज की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे, अटैक नहीं कर रहे, डिफेंसिव खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से वो अपना मैच आ रहे हैं। अच्छा, रमीज़ राजा ने भी बयान दिया कि इंग्लैंड की टीम 16 साल बाद पाकिस्तान में, तो उनको हम खाली हाथ नहीं भेजना चाहते, तो आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ प्लान था, मतलब कि फिक्स मैच था? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। काफ़ी दफ़ा हुआ है कि जैसे पास में भी हमने देखा, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे, सीरीज़ होती थी, तो जैसे कोलकाता के मैचेस थे, तो जहाँ तक मुझे याद है कि जीते हुए मैचेस भी हमारे हैं, और वो इसीलिए आ रहे थे क्योंकि इंडियन टीम पे थ्रेट्स आ गए थे, ठीक है, कि उनके अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान विन कर रहा था, बड़ा एक वो पब्लिक प्रेशर था उन पर, ठीक है। तो इसी तरह अब इंग्लैंड की टीम आई है, तो हो सकता है कि वो खाली हाथ ना भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ हैं वो, तो पाकिस्तान ने विंस भी की हैं और उसकी वजह से इतना रैंकिंग्स पे इतना फ़र्क नहीं आया ये मैचेस वगैरह हारने की वजह से। तो अगर फिक्स हो सकता है कि फ़िक्स किया हो। अच्छा, आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अगर यही टीम रही, क्या आपको लगता है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे? ये वाली टीम ही रही तो पुराना दौर ही हो जाएगा, कि मतलब कि हमें बस वेट है कि बारिश हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए, हम बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म कर जाए। ये थोड़ा सा चेंजिंग करें, मिडल ऑर्डर में चेंज करें, मेरे ख्याल से एक तो इफ्तिखार और खुशदिल जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी जगह अगर ये लोग मतलब कि एक दो चेंज करके देखें, अगर आगे कोई सीरीज़ वगैरह और आ रही है वर्ल्ड कप से पहले, तो उसके एक दो चेंज करके एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक्सपेरिमेंट ही पता लगता है कौन सा प्लेयर कितना चलेगा। अच्छा, आपको T20 वर्ल्ड कप में किस प्लेयर से उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेगा? वर्ल्ड कप में देखा जाए तो कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन रिजवान एक बड़ी अच्छी फॉर्म में है वो। अब ये तो खैर वो मैचेस में एक चीज़ होती है कि गुड डे और बैड डे, बहुत अच्छा भी प्लेयर फॉर्म में हो तो अक्सर वो रह जाता है, लेकिन ये कि रिजवान जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो क्लिनिकली वो खेल रहा है, सारी अपनी गेम वगैरह खेल रहा है और सब कुछ। बस ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने मैच देखा। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी कुताहियाँ और खामियाँ थी जिनकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया? जी, कुताहियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये जो ना हमारी ये जो कमज़ोरी है, ये इनके पट्टे खींचे जाते हैं, इनकी टांगें दर्द होती हैं, ये लेट नाइट्स होते हैं, ये मेरे ख्याल में आवारा गर्दी करते रहते हैं, इसकी वजह से जो है ना इनको चाहिए कि जो है ना थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी फिटनेस पर तवज्जो दें, तो ही मेरे ख्याल में टीम जो है ना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, कल के मैच में आपको किससे उम्मीद थी कि ये प्लेयर खेलेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे? मुझे उम्मीद बाबर ऑलवेज जो है ना बाबर और रिजवान से थी जो है ना, जो कि नहीं चले। इसके अलावा मुझे जो है ना हमारे जो पावर हिटर आसिफ अली साहब हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद थी, तो बदकिस्मती से वो भी नहीं चले। फिर खुशदिल शाह थे, वो भी नहीं चले। तो उसके बाद जो चाचा जी हैं हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो भी नहीं चले, और इस तरह की हमारे काफ़ी सारी उम्मीदें थी जो वो सिर्फ उम्मीदें ही रह गई। उम्मीदों पे पानी फेरा उन्होंने बिल्कुल। अच्छा, रमीज़ राजा के बयान, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम 16 साल बाद आई थी, तो हम नहीं चाहते थे वो खाली हाथ जाए, इस वजह से हमने उनको ट्रॉफी दी। आप क्या समझते हैं कि ये क्या जो लास्ट मैच था ये फिक्स था? जी बिल्कुल, ये फिक्स नहीं था, ये जो है ना मैं फिक्स नहीं कहूँगा इसको। रमीज़ राजा साहब जो है ना ऑनरेबल इंसान है, बड़े सेंसिबल इंसान है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इनको हमने खाली हाथ नहीं जाने देना था, तो इनको फजे से पाए ले के देते, हमको वकास बिरयानी ले के देते, यार ट्रॉफी तो नाना दो अल्लाह का वास्ता, ये तो कम से कम पाकिस्तान को दो, और बहुत सारी चीज़ें थी हम उनको गिफ्ट कर सकते थे, ये ट्रॉफी कम से कम जो है ना हमें ज़्यादा अचीवमेंट ज़रूरी थी, लेकिन बहरहाल वो अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। अच्छा सर, आगे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं दुनिया में, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये टीम रही हमारी तो आगे
फ्यूचर में क्या हम ये जो वर्ल्ड कप आने वाला है वो जीत पाएंगे? नहीं नहीं जी, बिल्कुल कभी नहीं जी, हम जीतने का छोड़ें जी। मैं कहता हूँ कि इन्हें बाद में ये T20 वर्ल्ड कप के बाद कोई बंदा यहाँ जनाब जूतों की रेडियो लगाएगा, कोई बंदा पॉलिश करेगा, तो ये इनके लिए तो लोगों ने प्लान सोचे हुए हैं, फ्यूचर प्लान। क्या क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत सारी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके बाद ही हमारी एक अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बन सकता है। अदरवाइज़ इस टीम से हम बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये आप ये क्वार्टर फाइनल से भी ऊपर जाना है नामुमकिन सी बात लग रही है ये T20। जी जी। अच्छा, आप क्या लगते हैं कि पाकिस्तान में एक वेरिएशन करनी चाहिए प्लेयर्स में कि आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए? जी जी बिल्कुल, वेरिएशंस करनी चाहिए और ये ज़रूरी है, हर टीम में होता है। ये देखें कि ये जो फॉर्मेट है ना T20 वर्ल्ड कप, ये जो ना 200 प्लस की स्ट्राइक्स खेलने वाला ये जो है ना फॉर्मेट है, और हमारे देखें कि ऐसा लगता है कि जो पहले पावर प्ले में 6 ओवर हम ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे यार हम बच्चों को खिला रहे हैं या जैसे टेस्ट फार्मेट है। मुझे लगता है कभी कभी यार ये मिसबा वापस आ गया है, क्या हो गया, ये T20 फार्मेट नहीं लगता, तो ये चेंजिंग्स वगैरह होनी चाहिए। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप में आपको किससे उम्मीद है कि ये भाई अच्छा खेलेगा? हाँ, बाबर, रिजवान और आसिफ अली, देखें चला तो चला, ना चला तो फिर एक सुतली बम की तरह चला, ये वो हिसाब है, बस ये उम्मीदें। बाबर रिजवान के अलावा हमारे जो है ना इस वक्त जो वन डाउन प्लेयर्स जो आते हैं ना, जो उसमें काफ़ी तब्दीली होने वाली, शोएब मलिक है, हफीज़ है, अहमद वसीम है, बहुत सारे, ये जो है ना सिर्फ अपनी अना बना कर हमें टीम जो है ना इसको ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना जहाँ तब्दीली होना ज़रूरी है वो तब्दीली होनी चाहिए।